एक्स मेयर सुधाकर सोनावने की पहल पर महारक्तदान, शिक्षकों और नागरिकों ने दिया जीवन बचाने का संदेश। नवी मुंबई के पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने आज अंबेडकर नगर के छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जहां सैकड़ों नागरिकों, युवाओं और शिक्षकों ने रक्तदान किया। पूर्व मेयर ने कहा कि कोरोना के कारण आजकल अस्पतालों में खून की कमी होने लगी है, इसलिए उद्धव सरकार ने रक्तदान का आह्वान किया था। इसे प्रतिसाद देते हुए यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस रक्तदान शिविर को सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने सदैव मानवता को बचाने का काम किया। उनके निर्वाण तिथि पर रक्तदान से बेहतर श्रद्धांजलि भला और क्या हो सकती है। उन्होंने युवाओं की अधिकाधिक सहभागिता के लिए भी आभार जताया। सरकार से राज्य सरकार ने आह्वान किया था कि राज्य के और राज्य की जो राजधानी है मुंबई में, कई बड़े बड़े जो अस्पताल है वहाँ पर एक या दो यूनिट या चार या पांच यूनिट खून की वहाँ पर बचे हैं या दो चार दिन के लिए, लेकिन अगर बड़ा कोई ऑपरेशन आ गया, किसी के जान मान का खतरा हो गया तो वहाँ रक्त नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकार ने जो आह्वान किया उसका प्रतिसाद देते हुए राजर्षि शाहू महाराज विद्यालय ने तत्काल लोगों से ऐलान किया। जैसे कि 5 तारीख को 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है, उसके पूर्व संध्या को हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं, लेकिन हमने कहा कि अगर सच में इस देश में लोगों को बचाना है, लोगों को सहयोग करना है जो बाबा साहब को मानते हैं, तो उनको अभिवादन करने के लिए आप रक्तदान कीजिए। और रक्तदान करके भी कुछ लोगों ने तो रक्त ने लेटर लिखा है सरकार को, खून ने खून में रक्त लिखा, ये लिखा है, अभिवादन का पत्र लिखा है। मैं कहता हूँ कि पत्र लिख के खून बर्बाद क्यों करते हो, आप ऐसे जगह में खून दे दो कि जिससे हमारा बॉर्डर पर लड़ने वाला सैनिक हो या कोई मौत से जूझने वाला बड़े ऑपरेशन का पेशेंट हो, उसकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए जो भी आह्वान सरकार करती है, प्रतिसाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर मुझे जो तरुण है उन्होंने दिया है, और वो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये सारे के सारे इस प्रकार से अगर काम करते तो सराहनीय बात है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच रक्तदान नहीं हो रहे हैं, ऐसे में अस्पतालों में रक्त भंडारण तेजी से घट रहा है। पूर्व महापौर ने रक्त की कमी से जूझ रहे ऐसे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर सेविका रंजना सोनावने, डॉक्टर गौतमी सोनावने, पुलिस अधिकारी अनिल पाटिल समेत तमाम समाज सेवी भी मौजूद थे। कैंप में आए डॉक्टरों, शिक्षकों और नागरिकों ने पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने की इस पहल की सराहना की और रक्तदान में सहभागिता पर खुशी भी जताई। उन्होंने सरांना मला खूप थँक्स द्यायचं आहे, आज ज्यांनी त्यांनी जो अगदी छोट्या ह्याच्यात कॅम्प अरेंज केलेला आहे, छोट्या म्हणजे छोट्या नोटीसवर कॅम्प अरेंज केलेला आहे, आणि इतका चांगला रिस्पॉन्स कोविडच्या काळात जो मिळतो आहे त्याच्या ते बघून खूप आनंद झालेला आहे। अगदीच नीलपर्यंत ब्लड बँक गेलेली आहे कोविडच्या काळात, आणि आता नॉर्मल हॉस्पिटल आमचं जे चालू झालं आहे तर रिक्वायरमेंट अतिशय वाढलेली आहे, तर म्हणजे ह्या कॅम्प देऊन खूप त्यांचा मी अभिनंदन करते। नाही, बहुत इम्पॉर्टंट आहे, इसका बहुत महत्वपूर्ण आहे ये, क्योंकि ये करना जरूरी है। ऐसे नाही आहे की शासन ही करेगा किंवा या महापालिका करेगी, तो इसमें सब आगे चल के सब आगे आकर इन रक्तदान शिविर का आयोजन करना चाहिए। विशेष करके अनेक जो संस्था है अपने यहाँ पे महापालिका लेवल पे जो है, उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन करके इस तरह से रक्त, ये जो रक्त है जो जमा करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनको मैं बधाई देता हूँ, इनका बहुत बड़ा कार्य है, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है,
तो मैं हर 4 महीने में या 6 महीने में साल में 2 बार रक्तदान करता हूँ। मैं इस द्वारा आह्वान करूँगा जनता को या विशेषतः युवा पीढ़ी को आह्वान करूँगा कि वे रक्तदान करें। बहुत अच्छा लगा सर जी। एक्चुअली ये हमारा जो स्कूल है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय, ये स्कूल ही हमारा बना है नावीन्यपूर्ण उपक्रम। यहाँ पे हम ये करते हैं, बनाते हैं और हम लोग इसमें सहभाग लेते हैं। हम लोग सब यहाँ पे मिलजुल कर हमारे जो सुधाकर जी सोनोने सर है उनके हमारे पीछे हमेशा खड़े होते हैं और उनके वजह से हम सब ये पूरा काम जो है यहाँ पे जो अच्छा कार्य है वो कर पाते हैं। और इसके आगे भी जाके हम उनसे ही अच्छा सा प्रोत्साहन लेके ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम में हम सहभाग लेंगे और ज़रूर लेंगे। ये हम सब की तरफ से मैं आप सबको एक अपना एक शब्द देती हूँ कि ऐसे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम वो हमेशा यहाँ पे करे और हम सब यहाँ पे आए और उसमें सहभागी हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।